अलवर न्यूज के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट उपेश शर्मा के अनुसार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन अलवर की ओर से डीजल के दामों में बढ़ोतरी और सड़क परिवहन क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ट्रक ओनर एसोसिएशन के हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने अलवर न्यूज को बताया कि डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और सड़क परिवहन क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति भारत के लगभग 20 करोड़ नागरिक और देश की बाकी आम जनता पर नकारात्मक असर कर रही है। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों की ओर से परिवहन वाहनों को जब्त करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, जो परिवहन व्यवसायियों के बीच बेहद नाराजगी और चिंता पैदा कर रहा है। केंद्र और प्रदेश की सरकार इसके लिए कोई पहल नहीं कर रही है, जिसके लिए आज पूरे देश भर के ट्रक एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। सरकार के मांगों को नहीं मानने पर देशव्यापी चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। देखिए, डीजल का जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट लाइन का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। और किसी भी देश के विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही ख़त्म हो गई तो देश ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी तो सरकार से यही विनती है कि डीजल का रेट कम किया जाए। इसीलिए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को,